दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश का शायद ही कोई राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां नहीं होती हैं। पहले जल्दबाजी में कम सैलरी में अलग अलग विभागों में सरकार कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां करती है, फिर सालों तक वो कर्मचारी उसी सैलरी पर काम करते रहते हैं, उनकी नौकरी भी पक्की नहीं होती है। ठेके पर सरकारी भर्तियों में बड़ा शोषण, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हिंदी पट्टी के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन की खबरें आती रहती हैं, खासकर चुनाव के वक्त। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवाली से पहले अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को गिफ्ट देते हुए 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया। और सुनिए, नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि ओडिशा में अब ठेके पे कोई भर्ती कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये फैसला ओडिशा सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ लगाएगा। फिर भी सीएम ने फैसला लिया जो कि ऐतिहासिक है। नवीन पटनायक दोस्तों देश के उन कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनके ना तो आपने कभी अखबारों में बड़े बड़े एड्स देखे होंगे, ना ही टीवी में उनके लंबे चौड़े भाषण आपने देखे होंगे, क्योंकि वो विज्ञापनों पे पैसा नहीं खर्च करते। बिना किसी शोर शराबे के पिछले 22 सालों से नवीन बाबू ओडिशा को एक बीमार राज्य से देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बना रहे हैं। जब भी कोई बेस्ट सीएम वाला डेटा निकल कर आता है, कोई भी एजेंसी ऐसा कोई रिसर्च करती है ना, नवीन पटनायक नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3 की लिस्ट में से एक होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नेता 22 सालों तक मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहता है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो जनता से दूर हो जाता है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसे किसी अवगुण को खुद को छूने भी नहीं दिया। क्या आप जानते हैं, नवीन पटनायक शायद देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते, नहीं आती उनको बोलनी। लेकिन उससे ऊपर जाकर नवीन पटनायक ने अपने राज्य के लोगों के मन की बात समझी और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती ही अपने राज्य में खत्म कर दी। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गए और नवीन पटनायक सरकार से बात की और कहा कि एक चक्रवाती तूफान आने वाला था ओडिशा, उसको लेकर बातचीत हुई पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक की। और पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए की मदद देती है, पीएम ने ऐलान किया, और अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको और मदद देंगे। जानते हैं जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा पीएम मोदी को? नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ओडिशा को आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, होगी तो मांग लेंगे। दोस्तों, अपने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को जितना पैसा खर्च करके नवीन पटनायक ने नियमित किया है ना, उतना तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों की सरकारें अपने प्रचार में चैनलों और अखबारों में बांट देती है। इन सब के आगे नवीन पटनायक एक मिसाल है जिन्होंने बस अपने फैसलों के बूते 22 साल तक सीएम रहने के बावजूद अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। पॉलिटिक्स हो तो ऐसे ही।